हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि फसलों का उत्पादन। हम इस चैप्टर के अंदर मेनली फोर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिनमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा व्हाट आर क्रॉप प्लांट्स, यानी कि फसलें जो हैं वो किस तरीके के प्लांट्स होती हैं, उन्हें हम किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंडली हम पढ़ेंगे इसके अंदर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि खेती के अंदर काम आने वाली मेथड्स, उनके क्या प्रोसेस रहते हैं या कौन सी टेक्निक्स हम उनमें यूज़ करते हैं, इन सब के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम इस चैप्टर के अंदर पेस्ट कंट्रोल और फूड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, यानी कि जो खाना हम खाते हैं थ्रू एनिमल्स, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, कैन यू थिंक ऑफ अ डे और टू विदाउट फूड? क्या हम इमेजिन कर सकते हैं अपनी लाइफ को एक या दो दिन खाने के बगैर? हैव यू एवर थॉट वेयर दिस फूड कम फ्रॉम? हम क्या ये सोच सकते हैं कि ये खाना जो है कहाँ से आता है? देखिए, ऑल द फूड आइटम्स दैट वी ईट कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जितना भी हम खाना खाते हैं या फूड आइटम्स जो हमारे लिए अवेलेबल किए जाते हैं, वो या तो प्लांट्स से हमें प्रोवाइड किए करवाए जाते हैं और या फिर वो एनिमल्स के थ्रू हमें मिलते हैं। यू हैव लर्नड अर्लियर अबाउट द ग्रीन प्लांट्स। हमने पिछली क्लासेस के अंदर ग्रीन प्लांट्स के बारे में पढ़ा है, विच सिंथेसाइज देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि वो अपना खाना जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से तैयार करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की विधि से वो अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडेड मैन कैन नॉट मेक देयर फूड बाय देमसेल्व्स। देखिए, एनिमल्स जिनमें हम भी आते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स जो होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। मींस मटेरियल, जो रॉ मटेरियल होता है खाने का, वो हम खुद अपना नहीं तैयार कर सकते हैं। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स। हम अपने खाने के लिए निर्भर होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं हम? प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और स्पेशली ह्यूमन बीइंग तो प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स पर भी डिपेंडेंट होता है अपने फूड आइटम्स के लिए। यू मस्ट हैव रेड अबाउट द अर्ली मैन इन योर हिस्ट्री बुक्स। आपने अपनी हिस्ट्री बुक्स के अंदर पढ़ा ही होगा कि जो पुराने ज़माने में इंसान हुआ करते थे, जो पुराने ज़माने के ह्यूमन बींग्स थे, वो किस तरह से अपना खाना तैयार करते थे। प्रिमिटिव मैन वॉज बेसिकली अ नॉमेड एंड अ गैदरर ऑफ फूड। जो प्रिमिटिव मैन का मतलब यहाँ पे प्राचीन समय की बात हो रही है, कि पिछले प्राचीन काल में जो हमारे आदिवासी मानव या जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, वो बेसिकली कैसे एक गैदरर होते थे खाने के, मतलब वो खाने को इकट्ठा करके रखते थे। ठीक है, ही यूज टू गैदर सीड्स। वो क्या करते थे? वो सीड्स यानी बीजों को एकत्रित करते थे, बेरीज को, लीव्स को, एडेबल रूट्स को, नट्स को, एंड देन फ्रूट्स ऑफ वाइल्ड प्लांट्स। वो क्या करते थे? इन सभी जो है एडेबल मटेरियल जितना भी है, उन सबको इकट्ठा करके रखते थे। वो बेरीज को, पत्तियों को, या जो खाने लायक जड़ें होती हैं, नट्स होते हैं, या जो जंगली जो है फ्रूट्स होते हैं, उन सबको वो इकट्ठा कर लिया करते थे। ही ऑल्सो हंटेड स्मॉल एनिमल्स फ्रॉम फूड यूजिंग स्टोन टूल्स। वो क्या करते थे? छोटे छोटे जानवर को हंट किया करते थे, यानी उनका शिकार किया करते थे खाने के लिए, और उसके लिए वो स्टोन टूल्स यूज़ करते थे। छोटे छोटे पत्थरों के टूल्स बनाकर उन्हें यूज़ किया जाता था इस काम के लिए। प्रिमिटिव मैन सडनली ऑब्जर्व दैट सीड्स ऑन फॉलिंग अपॉन द सॉइल स्टार्टेड जर्मिनेटिंग एंड ग्रो इंटू प्लांट्स। प्राचीन काल में धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स ने देखा, अचानक से ये ऑब्जर्व वो करने लगे कि जो भी बीज जो है सॉइल यानी मिट्टी के अंदर गिर जाते हैं, फॉलिंग अपॉन द सॉइल, जो भी बीज जो हैं वो मिट्टी के अंदर गिर जाते हैं, स्टार्ट जर्मिनेटिंग, वो क्या करते हैं, उनमें अंकुरण स्टार्ट हो जाता है, एंड देन वो जो है वो प्लांट्स के तौर पर ग्रो करने लग जाते हैं, यानी वो पौधे उगने लग जाते हैं। दिस गेव हिम द आइडिया ऑफ कल्टिवेशन ऑफ द प्लांट्स टू ऑब्टेन फूड। इस तरीके से उन्हें
क्रॉप कल्टीवेशन या प्लांट्स का कल्टीवेशन करने के लिए, उनका उत्पादन करने के लिए, उन्हें कल्टीवेट करने के लिए, उगाने के लिए आइडिया आया, ताकि वो अपना खाना जो है वो प्राप्त कर सके। अगेन ही फाउंड दैट वाटर वॉज असेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, सो ही सेटल्ड नियर वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक एट्सेट्रा। देखिए, धीरे धीरे उसने ये भी जाना कि प्लांट्स को ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वाटर यानी पानी जो है वो एक असेंशियल सर्विस है, यानी एक ज़रूरी सुविधा है। अगर पानी नहीं होगा तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, ये वो धीरे धीरे समझा। तो उसने अपने आप को सेटल कर लिया, पुराने ज़माने के जो मानव हुआ करते थे उन्होंने अपने आप को सेटल कर लिया वाटर बॉडीज़ के आसपास, यानी वो रिवर्स के, लेक्स के आसपास रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। वहीं पर उन्होंने कल्टीवेशन, क्रॉप्स का कल्टीवेशन भी स्टार्ट कर दिया। थस फ्रॉम अ गुड गैदर फूड गैदरर मैन बिकम अ फूड प्रोड्यूसर, और इसी से जहाँ पहले वो खाना इकट्ठा किया करता था, अब वो खाने का उत्पादन करने लगा था, यानी वो फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन चुका था। This was the beginning of agriculture, और ये जो है beginning कही जाती है agriculture यानी कि खेती की, ये खेती का शुरुआत थी खेती की। This happened around 10,000 years ago, और ये शायद 10,000 साल पहले हुआ होगा, ऐसा हमारे साइंटिस्ट और जितने हमारे essentials हैं उनका मानना है कि ऐसा हुआ होगा। चलिए, it is easier to get food for a few persons, but if we have to provide food for the people of whole country, we will have to obtain it on a large scale. अब देखिए, पहले ज़्यादा population नहीं हुआ करती थी, तो उस हिसाब से जंगलों में या फिर छोटे छोटे पेड़ पौधों से हम कम लोगों का खाना जो है वो अवेलेबल करा सकते थे। ये हम मान रहे हैं कि यहाँ पे it is easy to get food, easy होता है खाना प्राप्त करना फ्यू पर्संस, कुछ लोगों के लिए, लेकिन अगर हमें पूरी की पूरी कंट्री के लोगों के लिए खाना उपलब्ध करवाना है तो हमें लार्ज स्केल यानी कि बड़े पैमाने के ऊपर खाना प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा। हैंस रेगुलर प्रोडक्शन, इसलिए हमें रेगुलर प्रोडक्शन का मतलब है निरंतर हमें उत्पादन करना पड़ता है क्रॉप्स का। सिस्टमैटिक मैनेजमेंट एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सारी कंट्री को फूड अवेलेबल कराने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन के साथ साथ सिस्टमैटिक मैनेजमेंट यानी कि एक प्रबंधन की ज़रूरत होती है, और एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब हर जगह प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन की भी ज़रूरत होती है फूड की, ताकि सभी लोगों को जो है वो फूड प्रोवाइड करवाया जा सके। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्रॉप कल्टीवेशन का या फिर क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो मैंने कहा था कि हमें डिस्कस करना रहेगा वो है व्हाट आर क्रॉप प्लांट्स, की फसलें होती क्या हैं, फसलें क्या होती हैं, इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देखिए, क्रॉप्स आर प्लांट्स विच आर ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर फूड। क्रॉप्स यानी फसलें वो पौधे होती हैं जिन्हें हम लार्ज क्वांटिटी यानी बहुत ज़्यादा पैमाने पर उगाते हैं खाने के लिए। फसलें क्या होती हैं, वो पौधे होती हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाते हैं हमारे खाने के लिए, मतलब जितने भी फसलें होती हैं जिनसे हमें खाना प्रोवाइड करते हैं हम, उन्हें हम लार्ज क्वांटिटी यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में उनका उत्पादन किया जाता है ताकि पूरी कंट्री के लोगों को खाना मिल सके। क्रील्स वर द फर्स्ट कल्टीवेटेड क्रॉप। अब देखिए, क्रील से यहाँ क्या मतलब है, क्रील से मतलब है धान जो होते हैं, धान के जो पौधे होंगे उन सबको हम क्रील कहेंगे, ठीक है। तो क्रील वॉज द फर्स्ट कल्टीवेटेड क्रॉप्स यानी कि फसलों में जो सबसे पहली कल्टीवेटेड क्रॉप आई थी वो थे क्रील्स, यानी हमने सबसे पहले धान उगाना स्टार्ट किया था। बट नाउ अबाउट 100 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट आर ग्रोन फॉर फूड। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बहुत तरीके के, सैकड़ों तरीके के पौधे उगाई जाते हैं खाने के लिए ही,
खाना प्रोड्यूस करने के लिए अब बहुत तरीके की फसलें जो हैं उगाई जाने लगी हैं। क्रील्स आर टॉल ग्रासेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्रील्स आर टॉल ग्रासेस, यानी कि जो धान के पौधे होते हैं, चाहे वो राइस हो, चाहे वो वीट हो, चाहे वो कॉर्न हो, इनमें से कोई भी जो क्रील होगा, देखिए वीट जो है वो क्रील है, राइस जो है वो क्रील है, तो ये सब क्या है, टॉल ग्रासेस होती हैं, यानी लंबे लंबे घास की तरह ये उगती हैं, लंबे लंबे घास के तरीके से ये उगती हैं, विच आर कल्टिवेटेड फॉर देयर न्यूट्रिशियस सीड्स कॉल्ड ग्रेन्स। और इन्हें कल्टिवेट, इनका उत्पादन, इनको उगाया किस तरीके से जाता है, इनके न्यूट्रिशियस सीड्स से, यानी इनके जो बीज होते हैं जिन्हें हम ग्रेन्स कहते हैं, इनके जो क्रील्स होते हैं उनके बीज जो होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, ग्रेन्स कहते हैं। तो इन ग्रेन्स के माध्यम से हमें जो है क्रील्स की जो क्रॉप्स होती हैं, जो फसलें होती हैं, उन्हें कल्टिवेटेड करने में मदद मिलती है। दे प्रोवाइड द स्टेपल फूड फॉर द पीपल इन नियर बाय एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो है ये प्रोवाइड कराते हैं खाना, ये जो फसलें होती हैं ये यही फसलें मेन होती हैं जो खाना प्रोवाइड कराती हैं सभी लोगों को इस पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड के एवरी पार्ट के अंदर, हर एक हिस्से में ये लोगों को जो खाना प्रोवाइड कराया जाता है सबसे ज़्यादा वो क्रील्स के ही माध्यम से कराया जाता है। ग्रेन्स आर रिच इन स्टार्च एंड ऑल्सो कंटेन प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स। जो ग्रेन्स यानी कि क्रील के जो सीड्स हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे, तो ये जो ग्रेन्स होते हैं वो बहुत रिच होते हैं, यानी कि उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। इसके अलावा उनमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स सब जो है ना पाए जाते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर। वीट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रील इन द वर्ल्ड। और हम सब जानते हैं कि वीट यानी कि जो अनाज होता है, जो गेहूँ होता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रील, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट धान है पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर इसे मेन क्रील या मेन फूड के रूप में देखा जाता है, फॉलोड बाय राइस एंड मेज, और इसके बाद चावल, राइस जो है चावल और मेज यानी मक्का, राइस और मेज को भी बहुत जो है लोग खाते हैं, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्रील है। सम ऑफ द कॉमन क्रॉप प्लांट्स आर लिस्टेड बिलो। अब देखिए यहाँ पे एक लिस्ट है जिसके अंदर कॉमन क्रील्स हैं कुछ जो हम देखेंगे। देखिए क्रील्स में हम सबसे पहले देखेंगे इसके एग्जांपल, देखिए क्रील यानी धान होती है, और उसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो वीट, राइस, बैरले, कॉर्न, रागी, ठीक है, तो ये सारे जो हैं क्रील्स में आएंगे। पल्सेस में यानी दाल में ग्राम, पी, बीन, ये सब दाल में आएंगे। देन रूट क्रॉप्स यानी कि जो जड़ होती हैं, जड़ों से जो हम खाते हैं, जिनकी जड़ें हम खाते हैं, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी जिसे हम कहते हैं, वो हो सकती है। ट्यूबर क्रॉप्स, ट्यूबर क्रॉप्स का मतलब होते हैं जिनका हम तना खाने के रूप में यूज़ लेते हैं, जैसे पोटैटो यानी आलू, आलू का हम तना जो है वो खाने में यूज़ लेते हैं। टैपियोका यानी कि आप इसे कसावा कह सकते हैं, कसावा एक प्लांट होता है, उसका भी हम तना खाने में यूज़ लेते हैं। ऑयल सीड्स यानी कि जो जिन बीजों से हम तेल निकाल सकते हैं, देखिए मस्टर्ड यानी सरसों के, जिन्हें हम राई कहते हैं, सरसों का जो तेल निकाला जाता है, सरसों के बीज, ग्राउंड नट्स, सनफ्लावर्स, है ना, तो इन सब के हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे तेल निकाल सकते हैं इनके बीजों से। शुगर क्रॉप्स जिन्हें हमें शुगर जो है प्रोवाइड होती है हमें शुगर केन से, बीट रूट से, यानी कि चकुंदर से हमें जो है शुगर प्राप्त हो सकती है, या शुगर केन यानी गन्ने से हमें प्राप्त हो सकती है। प्लांटेशन क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स का मतलब है जिन्हें एक बड़े एरिया में प्लांटेशन के तौर पर उगाया जाता है, जिन्हें बहुत सारे एरिया में प्लांट करना पड़ता है, जैसे कॉफ़ी, टी, रबर, कोकोनट, इन सबको हमें प्लांटेशन क्रॉप्स के रूप में कह सकते हैं। फाइबर क्रॉप्स यानी कि जिनसे हम फाइबर बना सकते हैं, फाइबर यानी धागा, रेशे जिनसे हम बनाते हैं, वो होंगी जूट और कॉटन। इस तरह की कुछ फसलें होती हैं जिन्हें हम क्रॉप प्लांट्स कहते हैं। इसके आगे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको दूंगी, आप कोशिश कीजिएगा कि इन्हें आप कर सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।